जब तक चल रही थी वो, तो वो ट्रेन थी, मुसाफिरों की हमसफर थी, राहगीरों की राजदार थी, मंजिलों तक पहुंचाने वाली मददगार थी। लेकिन जब वो टकराई तो ताबूत बन गई, किसी की कब्र बन गई तो किसी की चलती फिरती बर्बादी का सबब बन गई। ट्रेन के बिखरे हुए डिब्बे एक बार फिर संवर जाएंगे, लेकिन हादसे के बाद जो परिवार बिखरे हैं उन्हें समेटने में सदियां लग जाएंगी। रोते बिलखते ये चेहरे अखिलेश यादव के घर के हैं। घर में मातम पसरा है, माँ मौन है, बाप बेसुध है। और एक महीने पहले जिसे ब्याह कर लाए थे वो बिलख रही है अपने पति अखिलेश के लिए। अखिलेश भी उसी ट्रेन में सवार थे जिसकी दुर्घटना से देश ही नहीं दुनिया तक दहल गई। हादसे के 3 दिन बाद भी अखिलेश का कुछ नहीं पता, ये तक नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं, और जिंदा है तो फिर किस हाल में है और किस अस्पताल में। हमको जानकारी मिला है कि वो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। पता ही नहीं लग रहा है कि है कि नहीं है। हम लोग यहाँ पूरे परेशान है एकदम। बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड के मनियारी गांव के दो युवक अखिलेश यादव और बौआ साहब सहानी भी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार थे, जो कि ओडिशा के रास्ते बालासोर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये दोनों नौकरी के लिए चेन्नई जा रहे थे, लेकिन नौकरी तो नहीं, हाँ नियति को कुछ और मंजूर था। एक महीना भी नहीं हुआ, 7 तारीख को 1 महीना होगा। एक महीने पहले जिसके साथ 7 फेरे लिए थे, अब उसी पति को लेकर ये हादसा बार बार प्रताड़ित कर रहा है। अखिलेश की जानकारी किसी को नहीं मिल पा रही है। मोबाइल पर पति की तस्वीरें देख रूपा बार बार बेहोश हो जाती है। उसकी बस यही गुहार है कि कैसे भी उनके पति की कोई जानकारी लाकर दे दे, कोई उनका पति उन्हें वापस ला कर दे दे। यही हाल बौआ के घर का भी है। पिता परेशान है कि बौआ का भी कुछ पता नहीं चल सका। आखिरी बार माँ से जब बात हुई तो बौआ ने माँ से कहा था कि उन्होंने खाना खा लिया है और चिंता मत करना, लेकिन उसके बाद रेल दुर्घटना की खबर ने हजारों परिवारों में कोहराम मचा दिया। अखिलेश और बौआ साहब दोनों साथे निकला, हाँ, और वहाँ है से उसी गाड़ी पर बैठबे किया। वो वहाँ पर उनको संगी साथी सब इधर आया, उधर वो गया, हाँ, और उसी के बिहान होकर के वहाँ सब पहुँच गया 5 आदमी खोजने के लिए। अभी तक उसको कोई लापता नहीं है, एकदम पता ही नहीं लग रहा है कि है कि नहीं है। हम लोग घटना की खबर मिलने के बाद से ही गांव के 5 लोग बालासोर पहुंच गए हैं और अखिलेश और बौआ की खोज में जुटे हुए हैं। लेकिन चाहे अस्पताल हो या फिर हेल्प डेस्क, कहीं से भी उन्हें जवाब नहीं मिल रहा। दोनों के मोबाइल भी बंद आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे परिजन किसी अनहोनी की आशंका से टूटते जा रहे हैं। बहरहाल ओडिशा में हुए रेल हादसे के 51 घंटे बाद अब भले ही पटरी पर दूसरी ट्रेनें लौट आई हैं, लेकिन हादसे में मारे गए परिवारों की जिंदगियों को पटरी पर लौटने के लिए शायद एक उम्र भी कम पड़े। पानी